शाम को हमारा एक प्रॉब्लम ये है जी, ये हेलीकॉप्टर का प्रॉब्लम ये है कि सूर्यास्त के पहले आपको लास्ट डेस्टिनेशन छोड़ना पड़ता है जी। उसके बाद एक्चुअली कैंपेन के लिए 3-4 घंटे का सही समय होता है। नमस्कार, आमी अर्णव। आज একটা বিশেষ কারণে আপনাদের কাছে এলাম। ভাবলাম অনেক দিন দেখা হয়নি, আজ একটু কথা হোক। আমি প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে গেছিলাম। আমরা ঠিক করেছিলাম কি রিপাবলিক নেটওয়ার্ক চোখে চোখ রেখে আমরা প্রধানমন্ত্রীকে কিছু প্রশ্ন করব। আমরা পৌঁছে গেলাম ওনার বাড়িতে। খুব গরম ছিল, আপনি তো সবাই জানেন দিল্লিতে। কিন্তু সেই গরমের মধ্যে আমরা কিছুক্ষণ সময় কাটালাম প্রধানমন্ত্রী লনে, বাগানে। একটা ইনফর্মাল কনভারসেশন হলো আমাদের মধ্যে। অনেক কিছু বললেন সেই ছোট্ট সময়ের মধ্যে। আর তারপর আমরা ভিতরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে প্রায় 1.5 ঘন্টা আমরা বিতালাম। দেশের মানুষের মনে আজকে যা যা প্রশ্ন আছে আমরা চেষ্টা করলাম সেই সব প্রশ্ন ওনার সামনে রাখার। একবারও বাধা না দিয়ে, একবারও বিরক্ত না হয়ে তিনি আমাদের সব প্রশ্নে, কঠিন প্রশ্ন, সোজা প্রশ্ন, রাজনৈতিক প্রশ্ন, আন্তর্জাতিক প্রশ্ন, জিও স্ট্র্যাটেজিক প্রশ্ন, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সের প্রশ্ন, পাকিস্তানকে নিয়ে প্রশ্ন, আর 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 বাংলাকে নিয়ে প্রশ্ন, সব প্রশ্নের জবাব ধৈর্য ধরে লম্বা সময় নিয়ে তিনি আমাদের দিলেন। আর একটা রিকোয়েস্ট আছে, আপনারা কিন্তু দেখে ফেসবুকে আমাদের জানাবেন কি ভালো লাগলো, কি ভালো লাগলো না, সব জানাবেন। নমস্কার নমস্কার, कैसे प्रधानमंत्री जी? देखिए, मजदूरी कर रहे हैं। नहीं, आप इतना आजकल घूम रहे हैं और बहुत कैंपेनिंग बहुत इंटेंस है इस बार आपकी। वैसे हर चुनाव में करते हैं, कोई ज़्यादा अलग से कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है, पर इस बार रोड शोज बहुत है आपके। ज़्यादातर हमने देखा कि क्या है जी, कि शाम को हमारा एक प्रॉब्लम ये है जी, ये हेलीकॉप्टर का प्रॉब्लम ये है कि सूर्यास्त के पहले आपको लास्ट डेस्टिनेशन छोड़ना पड़ता है जी। उसके बाद एक्चुअली कैंपेन के लिए 3-4 घंटे का सही समय होता है। अब वो मेरे जैसे को काम नहीं आता है क्योंकि मेरे लिए तो फिर उसमें से मैंने एक रास्ता खोजा जी, कि जहाँ मेरा डेस्टिनेशन ख़त्म हो जाता है तो मैं एक स्थान पर रोड शो कर लूँगा, तो एक्स्ट्रा कार्यक्रम मेरा। प्रधानमंत्री जी, मैंने जो ऑब्जर्व किया आपको, आप बहुत मास कांटेक्ट, 1-to-1 कांटेक्ट करते हैं जब आप जाते हैं। मैंने देखा अहमदाबाद में एक बुजुर्ग महिला ने आके राखी भी लगाई है जी, आपको जी, जी। तो उस तरह का कांटेक्ट जो है वो रैली से ज़्यादा इन रोड शोज में भी होता होगा। वैसे रैली में भी अनुभव आता है, रोड शो में सिक्योरिटी की मर्यादाएँ रहती हैं जी, तो मैं ज़्यादा उनको एड्रेस नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं देख लेता हूँ कि हाँ यार कोई खड़ा है, कोई चाहता है। जैसे कुछ बच्चे आजकल पेंटिंग बना के लाते हैं, ले आते हैं हाँ, क्योंकि उनके समाधान के लिए मेरा मन करता है कि मैं उनको ले लूँ। अगर एड्रेस है तो मैं चिट्ठी लिखता हूँ बच्चों को जी हाँ। तो मोदी जी, ये कैंपेन, मैं तो आपको बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ, ये कैंपेन में कुछ अलग आपको लग रहा है पिछले 2014 या 9 और माहौल की बात जो होते हैं
इंटरव्यू से पहले पूछना चाहूँगा, ओवरऑल माहौल कैसा लग रहा है आपको इस बार? देखिए 2014 के चुनाव में जब मैं गया जी, तो देश मुझे जानता नहीं था, मैंने थोड़ा बहुत मीडिया से जानता था और मैं गुजरात में काम करता हूँ उतना ही पता था उनको जी। उनको ये मालूम तो था नहीं भाई एक्चुअली क्या है, तो लोगों की क्यूरियोसिटी बहुत थी जी। तो 2014 में देखता था, मैं जो चीज़ कहता था उसको वो बहुत ही एक प्रकार से नापने की कोशिश करता है, ऐसा मुझे उनकी आंखों से दिखता था। अच्छा, कि ये क्या ये सो सकता है क्या, ये संभव है क्या, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी देखा नहीं था। जी 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 जी, तो उनके लिए सब नयापन था। 2019 में गया जी, तो मैंने देखा कि एक बड़ा विश्वास का नज़र जाता था, उनको लग रहा है यार आदमी 14 में जो कहता था 5 साल उसने डिलीवर किया, बर्बाद नहीं किए जी, उसने लगातार जो कहता था उसको करने का प्रयास किया जी। लोग मुझे इस बात पे जज नहीं करते थे कि हुआ या नहीं हुआ, पूरा हुआ या आधा हुआ, लेकिन ये जज करते थे कि दिशा सही है कि नहीं, प्रयास ईमानदारी से हो रहा है कि नहीं, और मेहनत करने में कोई कमी है क्या जी। और इन सारी कसौटियों पे देश ने कम से कम मुझे पॉजिटिव पाया। 19 में जब मैं गया तो ये अनुभव था जी। 24 में मैं देख रहा हूँ जी कि मेरी सफलता ही मेरे लिए चुनौती बनती जा रही है। सफलता इसलिए चुनौती बनती जा रही है कि उनको लगता है यार ये 14 में कहता था, देखिए 19 में यहाँ तक गया, 19 में कहता था यहाँ तक गया, अब उनको अपेक्षाएं रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बहुत कम है। अब सामान्य हिंदुस्तानी मानता है कि हमारा देश पीछे नहीं होना चाहिए, हमारा देश अब आधुनिक होना चाहिए, हमारे देश में वैज्ञानिकता होनी चाहिए, ये सामान्य मानवीय की सोच है जी, और वो एडप्ट करता है। खास करके डिजिटल इंडिया ने जी उसको अनुभव करवाया जी 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 कि ये सब संभव है, हम भी ये कर सकते हैं जी। सामान्य मानवीय को, वरना टेक्नोलॉजी घर में घड़ी भी टाइम सेट करना है तो पहले सोचता था कि घड़ी का टाइम सेट, तो बच्चे को बुलाता है अरे देखो यार वो घड़ी लेट चल रही है, सेल बदलना है, तो आज ऐसा नहीं है एक। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये समय आकांक्षाओं का समय है जी, बहुत बड़ी आकांक्षाओं का समय है, और ये आकांक्षाओं का समय है तो मेरा उत्साह भी और बढ़ गया है।